देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने पाव के अंदर जो हमने चटनी बनाई थी, चटनी डाल दिया है, गार्लिक चटनी। और फ्रेंड्स, मैं एक इसके अंदर एक मिर्ची भी डाल दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हमने फ्राई किया है, वो मिर्ची इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स, जो हमने वड़ा बनाया था उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डाल के फिर हम लोग खा सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाइए वड़ा पाव, सबको पसंद आएगा। ये शाम को इवनिंग स्नैक्स में आप खा सकते हो, सबको बहुत पसंद आता है। तो मैं महीने में एक दो बार वड़ा पाव बना ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है वड़ा पाव, इसमें हम इसको वड़े को रख के खाएंगे। फ्रेंड्स, वड़ा पाव बनाने के लिए जो हम वड़े बनाएंगे उसकी मैंने तैयारी की है। देखिए, ये आलू जो है मैंने बॉईल कर दिया था। आलू को प्रेशर कुकर में मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी लगा दिया था। ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ये थोड़ी सी हरी मिर्ची लिया है, एक हाफ नींबू लिया है, ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने कट करके धो के अच्छे से कट करके लिया है, ये थोड़ा सा अदरक लिया है, थोड़ा सा ग्रेट करके आप ले सकते हो। लहसुन भी आप खाते हो तो लहसुन भी ले सकते हो। तो मैंने अदरक लिया है। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इसमें एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसका एक मिक्सर बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, आलू डाल देती हूँ इसमें। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो आलू को कढ़ाई में आलू के मिक्सर बनाते हैं वड़ा पाव के लिए, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कढ़ाई में वैसे बनाने से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मैंने वो भी बनाया था, लेकिन ये तरीका जो है मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने अभी कड़ी पत्ता और अदरक डाल दिया है, ये हरा धनिया भी डाल दिया है, और इसमें क्या है ना, अभी ये हरी मिर्ची भी डाल दिया है। और अभी मैं इसका क्या करूँगी, देखिए इसको अभी मैशर, पोटैटो मैशर से ऐसे मैश कर देंगे। ऐसा वाला ही बर्तन लेना है आपको मैश करने के लिए, ताकि आलू इधर उधर ना भागे। तो इसको एकदम प्रेशर डाल के आलू को दबा देंगे ऐसे, क्योंकि अगर थाली में करेंगे तो आलू क्या, जब प्रेशर डालते हैं इधर उधर भाग जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। देखिए, अभी मैंने मैश कर दिया है आलू को। और इसमें हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, और थोड़ा सा नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा कम आप, और मिर्ची जो आप ज़्यादा डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। तो फिर इसका जो मसाला, जो अभी ये रेडी हो गया है, आलू को मैश कर दिया है मैंने, और बटर। और हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, नींबू नहीं डालना है, थोड़ा सा नींबू डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा नींबू डालने से भी खट्टा हो जाएगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो हाफ नींबू आप डाल सकते हैं। तो अभी मैंने इसको सब मिक्स कर दिया है। इसमें बॉयल आलू डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है, हरी मिर्ची डाला है, हरा धनिया डाला है, कड़ी पत्ता को छोटा छोटा करके मैंने डाला है इसमें। अभी जो इस मिक्सर को हम क्या करेंगे, अच्छे से थोड़ा सा, ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से ऐसे ही, थोड़ा सा आलू का थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा रहेगा तो खाने में भी अच्छा लगता है। जब वड़ा बनाएगा ना तो ऐसा लगेगा, अच्छा लगेगा खाने में। तो हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। देखिए, मैंने अभी मिक्स कर दिया है। ये तो हमारा आलू मिक्सचर रेडी हो गया है, लेकिन हमें डीप करके वड़े बनाने के लिए एक बेसन का बैटर भी बनाएंगे। तो मैं इसको रेडी कर देती हूँ। देखिए, अभी ये रेडी हो गया है। नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। कड़ी पत्ता आप इसमें ज़रूर डालना, अच्छा टेस्ट आता है कड़ी पत्ता से। तो हरा धनिया भी तो ज़रूरी है, और ज़्यादा लहसुन, अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है। तो मैं अभी क्या करूँगी, बेसन का एक बैटर बना देती हूँ, फिर हम फ्राई करेंगे वड़ों को। चलिए, फिर ये मैं साइड में रख देती हूँ। आलू का जो हमने मिक्सचर बनाया है, अभी उसका क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेके
एक वड़ा का शेप दे देंगे। आप चाहे तो गोल शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो इसमें ऐसे फ्लैट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे टिक्की बनाते हैं ना, टिक्की जैसे ही बना सकते हैं। ऐसे करके हम क्या करेंगे, प्लेट में सब रख देंगे, उसके बाद बटर में डिप करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे। देखिए मैं ऐसे सारा बना देती हूँ। ये हाथ में चिपकता नहीं है, तो आपको ऑयल पानी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे लेना है, ऐसे फ्लैट करके डाल देना है। आप गोल चाहिए तो गोल भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा गोल भी बना देती हूँ। गोल बनाने के लिए बस ऐसे देखिए, इसको कहीं उड़ीसा साइड में इसको बोंडा भी बोलते हैं, आलू बोंडा बोलते हैं, और महाराष्ट्र में इसको वड़े बोलते हैं। और आपको जैसे कि ऐसे बना देंगे हम, गोल चाहिए तो गोल और फ्लैट चाहिए तो फ्लैट। ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकता है, तो थोड़ा गोल बना देंगे, थोड़ा सा फ्लैट बना देंगे। महाराष्ट्र में ज्यादा वड़ा पाव खाया जाता है, तो ये ज्यादा बनता है महाराष्ट्र में। तो अभी हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, अभी वो आलू का जो मिक्सचर था मैंने ऐसे शेप दे दिया है गोल और फ्लैट फ्लैट का, तो आप अपने पसंद से वड़े का शेप दे सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, मैंने उसी जिसमें मिक्सचर बनाया था उसमें ही मैं अभी बेसन का एक घोल बनाऊंगी जो हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ऐड कर दिया है, देखिए बेसन को इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। आप हल्दी नमक सब डाल के जब बटर बनाओगे तब बटर को आप टेस्ट कर लेना, नमक ठीक है या नहीं। और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैरम सीड अजवाइन थोड़ा सा डाल देती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा तेल में ऐसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। बैटर जितना स्मूथ रहेगा हमारा वड़ा उतना अच्छा बनेगा। तो पहले आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और अच्छा स्मूथ बैटर बनाना है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, बैटर जो हमने बनाया था बेसन का, देखिए बेसन का घोल जो है ना एकदम परफेक्ट बन गया है, एकदम स्मूथ बन गया है। लेकिन अभी एक चीज़ इसमें डालना बाकी है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग सोडा जो होता है ना वो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसको डाल के भी मैं थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देती हूँ। कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। अभी हम वड़े बनाना शुरू करेंगे। पहले देखते हैं मिक्सचर डाल के कि हमारा जो तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल हमारा गरम हो गया है, अभी हम क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, वड़े को फ्राई करना शुरू करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, तेल में एक वड़ा डाल के देखेंगे कि हमारा जो तेल जो है ना गरम हुआ या नहीं। तो अभी हमने एक थोड़ा सा बैटर डाला था, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक वड़ा डाल के देखेंगे कि हमारा जो तेल अच्छे से गरम हुआ या नहीं। और इसके लिए वड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा देखिए, मैं देखती हूँ चेक करके। तेल तो हमारा गरम हो गया है, तो बड़े को हम क्या करेंगे, पलट के अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तेल का मतलब चेकिंग टेस्टिंग के लिए मैंने एक वड़ा डाला था कि तेल हमारा कितना गरम हुआ है। तो
तो ये टेस्टिंग वाला एक वड़ा था, तो मैं इसको अभी निकाल देती हूँ और बाकी सब अभी मैं डाल देती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो अभी मैं इस वड़े को निकाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो वड़ों को ऐसे बैटर में डिप कर दिया है और इसको क्या करूँगी, चम्मच यूज करके कर रही हूँ, तो इसको एक एक निकाल के मैं इसे तेल में डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने ये गरम तेल में डाल दिया है और फ्लेम को हम अभी मीडियम पे रख देंगे। तेल हमारा बहुत गरम था, अभी हम मीडियम फ्लेम पे रख के इसको दोनों तरफ पलट के, देखिए फ्रेंड्स, बड़ों को हमने दोनों तरफ अच्छे से पलट पलट के पकाया है, ब्राउन हो गया है। अभी हम इनको प्लेट में निकाल देते हैं। बाकी जो जितना है बड़ा हम उसको भी फ्राई कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप ये जो साइड का देख रहे हो ना, ये सब हम निकाल देंगे इसे, नहीं तो ये जलने का स्मेल आ जाएगा, ये जल्दी फ्राई हो जाता है। और इसका हम क्या करेंगे, जो चटनी बनाएंगे बड़ा पाव के लिए उसमें यूज करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चटनी बहुत अच्छा बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे चीजें निकाल के हम चटनी में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे बड़ों को तो मैंने निकाल दिया है तल के, अभी थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा मिर्ची फ्राई कर लेते हैं। गरम तेल में मिर्ची फ्राई करके निकाल देते हैं। देखिए मिर्ची अभी फ्राई हो गया है, अभी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे इसको। और इस मिर्ची में थोड़ा सा हम ऊपर से नमक डाल देंगे। तो इन सबको निकाल के मैं इसमें रख देती हूँ साइड में, और फिर हम प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह ही बनाइए बड़ा पाव, जो आपको सबको पसंद आएगा। महाराष्ट्र में तो सबको बनाना आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी स्टेट में लोगों को कम बनाना आता है। तो आप मेरा वीडियो देख के आप ऐसे ही बना सकते हैं वड़ा पाव। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्लेटिंग करना। फ्रेंड्स, बड़ा पाव के लिए जो चटनी बनाएंगे तो हमने उसके लिए क्या क्या लिया है, देखिए। ये जो गार्लिक लिया है मैंने, छिलके के साथ ही लिया है, उसको ड्राई रोस्ट कर दिया है। ये 3-4 जो सूखी लाल मिर्च है उसको भी मैंने 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर दिया है। ये पीनट्स को भी मैंने छिलके साथ ही ड्राई रोस्ट कर दिया है। और थोड़ा सा कलर के लिए लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और ये नमक लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बेसन में मैंने घोल बनाया था, जो ये उसमें डाल दिया था। तो ये इसमें हम डाल के इसका चूरा, जो एक हम क्या करेंगे, चटनी बनाएंगे गार्लिक का चटनी बड़ा पाव के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सब ये मिक्सी का जार जो लिया है इसमें सब डाल देती हूँ। देखिए, अभी मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है। अभी ये जो चूरा है इसको भी मैं डाल देती हूँ। एक दरदरा पीस के चटनी बनाएंगे, ज्यादा एकदम पतला नहीं बनाएंगे, एक दरदरा पीस के चटनी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पाव में लगा के फिर वड़ा उसके अंदर रखेंगे। तो चलिए फिर मैं इसका एक दरदरा पाउडर बना देती हूँ, चटनी बना देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी बड़ा पाव के लिए हमारी ये जो चटनी परफेक्ट पीस गई है। ऐसे ही बनती है ड्राई चटनी, जो बड़ा पाव में रोड स्ट्रीट में देखते देखते होंगे ना, जो बड़ा पाव बना के देते हैं, तो ऐसे ही उनकी चटनी बनती है। तो हमने अभी चटनी रेडी कर दिया है, बहुत अच्छी टेस्टी बनी है, स्पाइसी थोड़ी सी बनी है। तो फिर स्पाइसी आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा बड़ा पाव के लिए अभी ये गार्लिक चटनी, ड्राई गार्लिक चटनी रेडी हो गया है। तो बाकी का प्रोसेस हम शुरू करते हैं।